ये देखो अभी पूरी तरह से अंधेरा है, अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। ये देखो आप जो इसकी ब्राइटनेस है वो आप लोग देख ही सकते हो आसानी से। तो भाई आपने अभी टेस्टिंग को देख लिया, टेस्टिंग इसे काफी ज्यादा थी। और देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आज आप इसे कैसे बना सकते हो, यानी कि एक खराब बल्ब, एक पीवीसी पाइप और कुछ बैटरी और मटेरियल से आप कैसे एक इमरजेंसी टॉर्च बना सकते हो, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा टॉर्च आपको पूरे मार्केट पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसे बनाना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो इस वाले टॉर्च को बनाने के लिए हमें सिंपली दो चीजों की ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ने वाली है। फर्स्ट तो आपके पास एक खराब बल्ब होना चाहिए, जो आपको मिल ही जाता है। अगर खराब नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं, मार्केट पर चला जाएगा, जहाँ पर रिपेयरिंग होते हैं वहाँ पर मांगोगे तो ये आपको खराब बल्ब आसानी से दे देंगे। अब इस पर मैंने कुछ मॉडिफिकेशन मैंने पहले से कर दिए हैं, जो आपको मैंने सोचा कि क्यों ना आपको डायरेक्ट बता दिया जाए, आप लोग वैसे समझ जाओगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर पर हमें देखने को मिल जाती है एक LED, जो कि कोब LED लाइट है। और इसका जो लाइट होता है वो सच में काफी ज्यादा होता है। इस पर मैंने काफी सारे पहले ही वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं। आप लाइट्स वाले सेक्शन पर प्लेलिस्ट पर चेकआउट करोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। यहाँ से इसे थोड़ा सा प्रेस करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे वरना टूट भी सकता है। ये देखो इस जगह पर क्या हुआ कि LED जो था ये नीचे में मैंने लगा दिया और ऊपर में डायरेक्ट LED को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और इसका जो दो वायर है वो हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसके अंदर पर कनेक्ट किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इसे वापस कर देते हैं पैक। पीवीसी पाइप का जो साइज है वो आप अपने अनुसार रख सकते हो, आपको बड़ा रखना है छोटा रखना है वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने इसे कुछ इतना लंबा रखा है जिससे ये आसानी से आप इसे पकड़ भी सकोगे और आप इसे रख भी सकोगे। तो ये फ्रेम में कुछ ऐसा आ रहा है। अब देखो इसके दोनों साइड पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एक साइड तो आपको चल जाएगा कि आपको सिर्फ राउंड साइड कट करके छोड़ देना है, बट दूसरा साइड आपको यहाँ पर थोड़ा घिसना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसे हम डायरेक्ट निकाले। चाहे तो आप हीटसिंक को निकाल करके डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन अगर हम इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से डायरेक्ट लगा दें तो ये डायरेक्ट फिक्स हो जाएगा और आपका काम भी थोड़ा कम हो जाएगा और मेहनत भी थोड़ा कम हो जाएगा अगर इस तरीके से करते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे थोड़ा राउंड शेप में बनाते हैं, कर्व शेप में बना देते हैं और उसके बाद इसे यहाँ पर करके सोल्डर करेंगे, वो आपको मैं साथ में बताऊंगा। चलो सबसे पहले करके आओ। तो भाई अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इसे घिस लिया है पूरी तरह से। आज इसे चार्ज करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ TP456 मॉड्यूल। और अगर आप चाहते हो इससे पावर बैंक भी यूज किया जाए, यानी कि हम बैटरी को चार्ज करें तो साथ में फोन भी हमारा चार्ज हो जाए, तो इसकी जगह पर आप पावर बैंक का छोटा सा मॉड्यूल यूज कर सकते हो और आप उसे भी यूज कर लेना। लेकिन मैं अभी फिलहाल इसे यूज करने वाला हूँ। चलो सबसे पहले ग्रुप कटिंग करते हैं, एंड क्रैप बनाते हैं और काम चालू। लगभग मुझे आधा घंटे का समय लगा इसका ग्रुप कटिंग और ये एंड कैप बनाने में। तो चलो ये तो हो गया है, अब हम इसका करेक्शन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बैटरी की। तो देखो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ 18650 3000 mAh की बैटरी। और एक मैं आपको एक अच्छी सच्चाई बताने वाला हूँ, जैसे कि मैं इस वाले बैटरी को यूज कर रहा हूँ, लगभग 1 से 1.5 साल तक मैं यूज कर रहा हूँ और एक काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जैसे मैंने काफी सारे फ्लिपकार्ट अमेजोन से मैंने बैटरीज को परचेस किए, लोकल मार्केट से भी मैंने परचेस किए, वो सभी का हाल खराब था, यानी वो टोटली खराब हो चुका है, मेरे पास बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। लेकिन हाँ इस वाले बैटरी को आप गारंटी के साथ ले सकते हो, ये जल्दी खराब नहीं होता है। देखते हैं कितना साल चलेगा। अभी तक मैंने 3 बैटरी को परचेस किया, तीनों के तीनों काफी अच्छी चल रही है। और अभी आने वाले वीडियोस पर भी और भी सारी बैटरी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो ज्यादा बात नहीं करते, कनेक्शन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बैटरी का यूज करने वाला, क्योंकि एक बैटरी हमारा 3000 mAh का है, तो दोनों को मिला देंगे तो ये 6000 mAh का हमारा जो बैटरी पावर बैंक बन जाएगा। तो अब देखो इसका जो दोनों नेगेटिव पिन है इसे हमें एक साथ शॉर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इस पर हमें एक एक्स्ट्रा वायर लगाना पड़ेगा जो कि ग्राउंड के लिए होने वाला है। देखो यहाँ के लिए मैं इस वाले वायर का यूज करने वाला हूँ। अब इसके एक पॉइंट पर हमें इसे सोल्डर करना है। देखो बैटरी को कुछ इस तरीके से कनेक्शन करना है। यहाँ पर 2 वायर को एक्स्ट्रा लगाना था नेगेटिव के लिए, मैंने यहाँ पर एक बैटरी आपको बताया, मतलब एक वायर मैंने बताया है। अब इस पर हमें लगाना होगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव भी सेम हमें उसी तरीके से 2 वायर की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमें ये दोनों को एक साथ पैरेलल करने के लिए चाहिए, दूसरा हमें एक आउटपुट के लिए चाहिए, 2 आउटपुट के लिए चाहिए, क्योंकि एक हमारा बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल पर चला जाएगा TP456 मॉड्यूल पर और एक हमारा चला जाएगा LED पर। देखो हमारा जो बैटरी कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। नेगेटिव यहाँ से मैंने 2 आउटपुट निकाले हैं और पॉजिटिव का भी देखो एक यहाँ पर आउटपुट है और एक हमारा यहाँ पर आउटपुट है। अब क्या करेंगे, सीधा इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले चार्जिंग मॉड्यूल पर बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव हमें साफ साफ दिख रहा है, तो क्या करेंगे बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव को कुछ इस तरीके से सोल्डर कर देंगे। इसे भी कनेक्ट कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। हमने जो यहाँ पर एंड कैप बनाया था, देखो इस वाले एंड कैप पर, इस पर मैंने राउंड शेप का होल किया हुआ है और ये जरूरी था, क्योंकि देखो इसके लिए ग्रुप कटिंग करना टाइम काफी ज्यादा लगता। तो मेरे पास यहाँ पर 5 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है, तो मैं क्या करूँगा इसे ही यहीं पर डायरेक्ट लगा देने वाला हूँ। इस पर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये बड़ा वाला लेग हमारा पॉजिटिव है और ये छोटा वाला लेग हमारा नेगेटिव है। कुछ ऐसा ही कनेक्शन आपको भी करना है। देखो पूरी अच्छी तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ।
अब यहाँ पर लास्ट कनेक्शन हमारा बचता है कि इसे हमें पीपीसी पाइप के अंदर पहले फिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे यहाँ से अंदर कर देते हैं वायर को, और इसका कनेक्शन जो है वो चालू करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग भी बन रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने अभी देखा तो नहीं है कि वीडियो कितनी लॉन्ग हो रही है। अभी इसे यहाँ से कर देते हैं कुछ इतना, जिससे वायर जो है वो आ जाए। ये देखो वायर यहाँ पर आ चुका है। अब देखो इस वाले वायर पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा नेगेटिव वाला वायर है इसे सबसे पहले तो यहाँ से कर देते हैं कट इसे। और देखो बैटरी के लिए यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा आगे आ गया, बैटरी इतना आगे आ गया, इसलिए मैंने बोला था वीडियो को लास्ट तक देना, थोड़ा स्पेस भी हमें बनाना पड़ेगा। अब जो हमारा ये वाला स्विच है, इस वाले स्विच को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, और LED पर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन मैंने बना करके रखा हुआ है। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव बना हुआ है और पीछे इधर कुछ नहीं, मतलब ये हमारा नेगेटिव है। तो जब भी हम यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव इस पर टच करेंगे तो ये ग्लो करेगा। तो इसका कनेक्शन करने के बाद इसे डायरेक्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैक कर देंगे। तो ये मैं करता हूँ और डायरेक्ट टेस्टिंग के टाइम पर आपसे मिलता हूँ। तो भाई देख लो आखिरकार हमारा टॉर्च जो है वो बन के कम्प्लीट हो चुका है। देखो स्विच तो थोड़ा मुझे छोटा लगाना चाहिए था, बट अभी नहीं है तो मैंने यहाँ पर इसे ही यूज कर लिया है। अभी देखो चलो मैं आपको इसे सबसे पहले चार्ज करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी बैटरी तो पूरी तरह से लो होगी, मतलब पूरी तरह से नहीं, थोड़ा तो कम होगा ही। यहाँ पर देखो माइक्रो टाइप का आपको चार्जर लग जाएगा। तो इसे क्या करते हैं यहाँ पर कर देते हैं कनेक्ट। ये देखो जैसे हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो LED है वो ग्लो करेगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हल्का सा रेड कलर का। ये देखो इस साइड पर आप लोग देखना, ये देखो आपको रेड रेड दिख रहा है, यानी कि हमारा जो बैटरी है वो यहाँ पर चार्ज हो रहा है। और यहाँ पर मैंने 6000 mAh का बैटरी यूज किया, तो लगभग ये 2 से 3 घंटे का आपको टाइम देगा बैटरी मतलब चार्ज होने में, और इसका जो बैकअप आएगा वो लगभग 3.5-4 घंटे का आपको देखने को मिल जाएगा। चलो अभी फिलहाल इसे चार्ज नहीं करते, इसे टेस्ट करके देखते हैं इसकी जो लाइटिंग है वो कैसी है। भाई अब जाकर के मेरा जो लाइट है वो बन करके कंप्लीट हो चुका है। तो चलो मैं आपको सबसे पहले इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। लाइट्स की बात करें तो ये देखो इसकी जो ब्राइटनेस है वो कुछ ऐसी है जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। मैं करता हूँ लाइट्स को ऑफ, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखो अभी पूरी तरह से अंधेरा है, अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। ये देखो आप जो इसकी ब्राइटनेस है वो आप लोग देख ही सकते हो आसानी से। ये देखो जहाँ तक आपको लाइट दिखेगा सिर्फ लाइट का ही है, कोई एक्स्ट्रा लाइट यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा है, और इस लाइट्स के थ्रू आप मेरे फेस को भी आसानी से देख पाते हो। तो लाइट्स को मैं फिर से ऑन कर दे रहा हूँ। तो आपने भी इसका जो लाइट है वो आपने देख लिया, इसका रिफ्लेक्टर जो है वो भी लगा हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसका रिफ्लेक्टर जो है उसे भी लगा करके इसे इमरजेंसी तौर के लाइट में यूज कर सकते हो। फिलहाल इसकी लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, जबकि मैंने इसे फुल चार्ज भी नहीं किया है। चलो गाइस मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब के लिए जय हिंद जय भारत।